अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर वीक की तरह इस एपिसोड में भी हम आपको लास्ट वीक में दी गई मेजर जजमेंट्स का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे और उनमें डिस्कस्ड मेजर पॉइंट्स को आप तक पहुंचाएंगे। सो आइए, लेट्स बिगिन। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अगेंस्ट सरफराज अहमद। इस केस में रिस्पॉन्डेंट जो कि एक कॉन्स्टेबल था, उसको बाकायदा इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी छुट्टी के बगैर सर्विस से गैर हाजिरी की मुद्दत को बगैर तनख्वाह के गैर मामूली छुट्टी समझा जाता था। अब कोर्ट के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या मुलाजमत से बर्खास्ती का जुर्माना आयद किया जा सकता है जब गैर हाजिरी की मुद्दत पहले ही बगैर तनख्वाह के गैर मामूली छुट्टी समझी गई हो, और दूसरा ये कि गैर हाजिरी की मुद्दत के इलाज की फराहमी क्यों ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि ड्यूटी से मुलाजिम की गैर हाजिरी की सूरत में मजाज अथॉरिटी मुलाजिम की गैर हाजिरी की तारीख से मुतल्लिका मुलाजिम की खिदमत को बर्खास्त करने, हटाने या ख़त्म करने का हकदार होगी और सर्विस से बरतरफी की सज़ा हो सकती है अगरचे गैर हाजिरी को बगैर तनख्वाह के छुट्टी समझा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में अदालत ने कहा कि मजाज अथॉरिटी की जानिब से आयद किया गया जुर्माना लाजमी रिटायरमेंट का था जो कि तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी के बाद इस तरह के जुर्माने की तारीख तक है, इसलिए ये मालूम करना ज़रूरी था कि इस तरह की गैर मौजूदगी का इलाज किस तरह किया जाए। लेकिन जहाँ मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त किया गया है वो किसी भी वाजिबात का हकदार नहीं हो सकता, इसलिए इसकी गैर हाजिरी के इलाज के लिए शायद ही कोई वजह हो सकती है जैसे कि बगैर तनख्वाह के छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड KPK वर्सेज हिदायतुल्लाह खान गंडापुर। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशावर हाई कोर्ट के एक जजमेंट से अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में मेन इशू ये था कि जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने ऊपर लगाए गए करप्शन चार्जेस को एक्सेप्ट करके प्ली बार्गेन ले ले तो क्या उसके बाद उन्हें प्रोफॉर्मा प्रमोशन ग्रांट की जा सकती है। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं है कि रिस्पॉन्डेंट KPK गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के तौर पर सर्व कर रहे थे जब NAB ने इन्हें करप्शन की एलिगेशन पर अरेस्ट कर लिया। रिस्पॉन्डेंट ने ये एलिगेशंस एडमिट करके प्ली बार्गेन ले ली, लेकिन इन्हें इनकी पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। 2008 में सर्विस ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट पास करके रिस्पॉन्डेंट को रीइंस्टेट कर लिया, लेकिन तब तक उनकी रिटायरमेंट की डेट पास आ गई। इसीलिए रिस्पॉन्डेंट ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने ये रिट पिटिशन की कि उन्हें BS20 तक एक प्रोफॉर्मा प्रमोशन ग्रांट कर दी जाए। हाई कोर्ट ने उनके फेवर में ये जजमेंट दे दी और उन्हें प्रमोशन मिल गई। प्रेजेंट केस में सिलेक्शन बोर्ड ने इसी ऑर्डर को अपील किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड करते हुए ये बात क्लैरिफाई कर दी कि किसी भी शख्स की अपनी रॉन्ग डूइंग उन पर कोई भी राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट कन्फर नहीं करती। 2016 के सुओ मोटो केस नंबर 17 को रेफर करते हुए कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अपनी रॉन्ग डूइंग को एडमिट कर ले तो ये एडमिशन उनके गिल्ट को प्रूव करता है और कोई भी ऐसा शख्स कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। अगला केस है चौधरी फयाज हुसैन अगेंस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेट्रा। इस केस में पिटिशनर ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 में की गई तरमीम को चैलेंज किया जिसके तहत रेस्क्यू 1122 को खुद मुख्तार इंतजामी महकमा बनाया गया था। अब अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या एक दुरुस्त मंजूर शुदा कानून साजी को चैलेंज करने के लिए पिटिशनर के लिए अपना लोकस स्टैंडाय और ग्रीवियंस एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि क्या लेजिस्लेचर के मंजूर करदा कानून के साथ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मौजूद है। अदालत ने जवाब दिया कि पिटिशनर ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के आइनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया है, इसलिए उस पर यह साबित करना ज़रूरी था कि आइन के तहत उसके कानूनी या बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। इसी तरह वो अपना लोकस स्टैंडाय साबित करने का पाबंद था किसी भी ऐसी तरमीम को ख़त्म करने के लिए जो उसके कानूनी हकूक उससे छीनती है, और इश्यूएंस ऑफ रिट की पिटिशन इनिशिएट करने के हवाले से किसी शख्स का लोकस स्टैंडाय होने के लिए उसका मैटर में कोई ना कोई राइट होना ज़रूरी है। लिहाजा स्टेट रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एक आज़ाद और ज़्यादा मुअस्सर इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करके सेहत के बुनियादी हकूक की तकमील के लिए बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर रही है, तो उसे आइनी दायरा इख्तियार के तहत बग़ैर किसी जवाज़ के ऐसा करने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसलिए बार पिटिशनर पर था कि वो ये साबित करे कि वो किस तरह एक एग्रीड पर्सन है और आइन के आर्टिकल 199 के दायरा कार में आता है ताकि वो तरमीम को चैलेंज कर सके।
दूसरे सवाल के जवाब में अदालत ने कहा कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हक में हमेशा एक प्रिजम्पशन होती है जिसे गैर आइनी करार नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि इस कानून को आइन के बराबर ना रखा जाए और दोनों में मसालहत का कोई रास्ता ना निकल सके। अगला केस है मज़हर अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। अपेलेंट ने अपनी सज़ा और सज़ा के खिलाफ फौरी मुजरमाना अपील दायर की जो ट्रायल कोर्ट ने मंजूर की है। अदालत के सामने सवाल यह था कि वसूली की कार्रवाइयों के बारे में पुलिस स्टेशन पर रवानगी या आमद के रोजनामचे के रिपोर्ट्स की नॉन प्रोडक्शन का कानूनी असर क्या है, खास तौर पर जब दूसरे थाने के दायरा इख्तियार से रिकवरी की जाती है। उन्होंने 7 जुलाई 2019 को गाँव कुरियाला तहसील और ज़िला हाफिजाबाद के इलाकाई दायरा कार में वाक़ अपेलेंट के घर पर छापा मारा और मुबैना तौर पर वहाँ से उसे हिरासत में ले लिया। ताहम लाहौर से किसी भी थाने के रोजनामचे के रिपोर्ट का ना तो हाफिजाबाद जाने के बारे में कोई जिक्र है, ना तो रोजनामचे के कोई रिपोर्ट में उनका कस्सू की थाने में आमद के बारे में जिक्र है। एक्यूज्ड के घर पुलिस स्टेशन से फोर्स लेकर जाने के लिए और रेड करने के लिए रोजनामचे की रिपोर्ट प्रोड्यूस करना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये प्रोड्यूस नहीं कर सकी, इसलिए ये रिकवरी रिलायबल नहीं मानी जा सकती। हमारा अगला केस है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट इन द स्टेट वर्सेज मोहम्मद सरवर। ये केस हाई कोर्ट के सामने सेशन जज की एक कन्विक्शन और कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की रेफरेंस के तौर पर पेश किया गया। इस केस में तीन मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या चांस विटनेसेस की एविडेंस को रिलायबल कंसिडर किया जा सकता है। चांस विटनेसेस वो होते हैं जो कि अलेजडली मौके पर मौजूद होते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी की कोई भी अपेरेंट वजह नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने इस इशू को डिसाइड करते हुए कहा कि ऐसे विटनेसेस की एविडेंस को तब तक रिलायबली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो ये एक्सप्लेन ना कर सके कि वो मौके पर क्यों मौजूद थे। इसीलिए इस केस में चांस विटनेसेस की टेस्टिमनी कंक्लूसिव नहीं थी। केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या अगर प्रोसिक्यूशन केस में इनिशियली कोई मोटिव क्लेम करे लेकिन बाद में इसे प्रूव ना कर सके तो इसका क्या इफेक्ट होता है। इस केस में प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अपेलेंट ने अपनी बीबी का कत्ल एक मेंटेनेंस रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से किया। अलबत्ता प्रोसिक्यूशन इस मोटिव को प्रूव नहीं कर सकी और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2020 की जजमेंट SCMR 857 को रेफर करते हुए ये डिसाइड किया कि प्रोसिक्यूशन के केस में किसी भी किस्म के डाउट का बेनिफिट अक्यूज को मिलना चाहिए। इसीलिए इस अनएस्टैब्लिश्ड मोटिव की बेसिस पर अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। केस का थर्ड इशू ये था कि मर्डर वेपन के फोरेंसिक एजेंसी तक पहुंचने में और अपेलेंट के अरेस्ट होने में 2 दिनों का डिले था, तो इस डिले का क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि इस डिले में पॉसिबिलिटी थी कि मर्डर वेपन के साथ टैम्पर किया गया है और ये एविडेंस प्लांट की गई है, इस एविडेंस को रिलायबल कंसिडर नहीं किया जा सकता और फोरेंसिक रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। इन रीजंस की वजह से अक्यूज्ड फाइनली अक्विट हो गए। अगला केस है जमाल ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड लाहौर एंड अदर्स अगेंस्ट फर्स्ट पंजाब मुदरबा लाहौर एंड अनदर। इस केस में अदालत ने बैंक की जानिब से रकम की वसूली के लिए दायर मुकदमे में मुकदमे का फैसला सुना दिया। अब कोर्ट के सामने तीन सवाल थे। पहला ये कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अकाउंट का बयान जमा कराने से मुतालिक कानूनी तकाजा क्या है। दूसरा कि अगर मालियाती इदारा मुद्दई के साथ अकाउंट के बयानात को उमिट करना छोड़ दे तो क्या असर पड़ेगा। और तीसरा ये कि क्या अकाउंट का बयान जमा ना कराने की खराबी इसके जमा कराने के साथ काबिल इलाज है या इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरख्वास्त। अदालत ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अकाउंट का मुकम्मल और दुरुस्त बयान मुद्दई के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। दूसरे सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट बैंक की जानिब से मुद्दई के साथ अकाउंट स्टेटमेंट को जम करने में नाकामी पर इसके अलावा मुकदमे का दफा करने के लिए छुट्टी देने का हकदार है, इसके दावे को मुस्तरद करने के लिए मुकाबला करने के हक में हो सकता है। तीसरे सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा कि मुद्दई के साथ अकाउंट का बयान दाखिल ना करने की खराबी को बाद में नकल या इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरख्वास्त के साथ दायर करके ठीक नहीं किया जा सकता। हमारा अगला केस है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट इन द केस ऑफ बाबू खान वर्सेस द स्टेट। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के एक ऑर्डर से अपील की शक्ल में पेश किया गया। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या एक कोर्ट PPC सेक्शन 182 की ऑफेंस की कॉग्निजेंस सिर्फ एक इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पर ले सकता है। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं है कि अपेलेंट के मुताबिक उन्होंने एक स्टेनोग्राफर को 1.5 लाख रुपए दिए ताकि वो उनके बेटे को जुडिशरी में एक पोस्ट दिलवा दे।
अलबत्ता जब अपेलेंट ने पैसे वापस मांगे तो स्टेनोग्राफर ने पैसे रिटर्न नहीं किए और अपेलेंट ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने कंप्लेन फाइल कर दी। हाई कोर्ट ने यह कंप्लेन फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हाफिजाबाद को सेंड की, लेकिन इन प्रोसीडिंग्स के दौरान अपेलेंट ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली और ये कहा कि यह मसला सॉल्व हो चुका है। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट जज ने फिर भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की और इस इंक्वायरी की बेसिस पर अपेलेंट को 4 months की इम्प्रिजनमेंट सुना दी क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की। हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम ने यह अपील अलाउ कर दी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सीआरपीसी के सेक्शन 195 सबसेक्शन 1A के मुताबिक कोर्ट सेक्शन 182 के ऑफेंस की कॉग्निजेंस सिर्फ रेलेवेंट पब्लिक ऑफिसर से एक रिटन कंप्लेन रिसीव होने पर ले सकता है। इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑफेंस की कॉग्निजेंस एक इंक्वायरी रिपोर्ट की बेसिस पर ली जो कि सरासर सेक्शन 195 के खिलाफ था और प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दिया गया। अगला केस है फतेह मोहम्मद एक्सेट्रा अगेंस्ट दशाद अहमद एक्सेट्रा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 के तहत कब्जे के मुकदमे को बयक वक्त क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप का तायुन किए बगैर ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने फैसला दिया। अब सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट नजरसानी के दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे केस को रिमांड दे सकती है जहां हकायक के यके बाद दी गए नतज खराब हों और मादी बाकायदगी का नतीजा हो, जैसे कि मंदरजा जेल अदालतों में दायरे इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट नजरसानी के दायरा इख्तियार में इस्तेमाल करते हुए शवाहिद की खूबियों या उस कंट्रोवर्सी के मामले में दाखिल होने का पाबंद नहीं है, बल्कि इस सूरत में जहां हकायक के हम आहंगी के नतायज खराब होते हैं और मादी बाकायदगी के नतीजे में नीचे दी गई अदालतों में दायरा इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एक हाई कोर्ट इस मामले को अदालतों के हवाले कर सकती है और ना ही खुद हकीकत तलाश करने और हकायक दरियाफ्त करने की एक्सरसाइज में मुलव्वस हो सकती है। हमारा अगला केस है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट इन द केस ऑफ बदरदीन वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये केस हाई कोर्ट के सामने एक रिवीजन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं थे कि पिटिशनर ने इनिशियली एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया, लेकिन इस सूट को नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस कर दिया गया। पिटिशनर ने फिर एक एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट फाइल की, जिसे भी नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस कर दिया गया और फाइनली पिटिशनर ने इस रेस्टोरेशन एप्लीकेशन को रिस्टोर करने के लिए एक और एप्लीकेशन फाइल की। इस केस में मेन इशू ये था कि लिमिटेशन एक्ट 1908 का कौन सा आर्टिकल ऐसी एप्लीकेशंस को गवर्न करता है। जस्टिस मोहम्मद शानगुल के मुताबिक ऐसी केसेस आर्टिकल 181 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट गवर्न करता है, क्योंकि इस किस्म की एप्लीकेशन को स्टैट्यूट डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता, ये आर्टिकल 181 के अंडर फॉल करते हैं क्योंकि वो एक रेजिडुअरी प्रोविजन है। अगला केस है इम्तियाज अहमद शाहिद अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। 2019 में पिटिशनर का एक एक्सीडेंट हुआ जिसके लिए उनका इलाज प्रोफेसर डॉक्टर आलमगीर खान ने किया और साथ आराम करने की हिदायत दी, मगर पिटिशनर के महकमे ने डॉक्टर के नुस्खे के बावजूद उसे मेडिकल लीव ना दी और महकमे ने यह प्ली की कि नुस्खा जो एक काबिल डॉक्टर ने इशू किया है उस पर एक जुमला लिखा है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, तो हम उस पर रिलाई करते हैं। चुनाचे पिटिशनर ने एक पिटिशन दायर की कि डॉक्टर्स की इस एक्ट को इलीगल करार दिया जाए। अक्सर बेशतर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट्स या नुस्खे इशू करते हैं और उनमें अक्सर ये जुमला इस्तेमाल होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट, और इस तरह बतौर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने पिटिशनर के हक में फैसला ना सुनाया और पिटिशन डिसमिस कर दी, ये कहकर कि इस पिटिशन का कोई मेरिट नहीं था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 और पुलिस रूल 1934 के तहत कोई भी सर्टिफिकेट या नुस्खा जो किसी प्राइवेट कैपेसिटी में दिया गया हो एक वैलिड पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, और यहाँ पिटिशनर अपनी महकमे से गैर मौजूदगी को ऐसी ही एक प्राइवेट कैपेसिटी में दिए गए नुस्खे के जरिए जस्टिफाई करना चाह रहा था। ऐसे करने से कल को कोई भी अपनी मामूली सी चोट का मुबालगा करके महज एक सर्टिफिकेट या नुस्खा फराहम करके बच निकलेगा और इसी वजह से अदालत ने पिटिशन मुस्तरद कर दी। हमारा अगला केस है लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट इन द केस ऑफ मुजम्मिल इकबाल वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर HR पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज। ये केस हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज लाहौर के एम्प्लॉय को एक रेगुलर इंक्वायरी के बगैर सिर्फ इस बेसिस पर डिसमिस किया जा सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस अनसैटिस्फैक्ट्री थी और उनके ऊपर मिसकंडक्ट के एलिगेशंस थे। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं थे कि अपेलेंट PES में एक मेडिकल टेक्नीशियन थे जिन्हें 31 अगस्त 2018 को
पंजाब इमरजेंसी लीव एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 2007 के रूल 4 के अंडर डिसमिस कर दिया गया। पिटिशनर ने कहा कि उनके खिलाफ एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई और उन्हें सिर्फ एक हेयरिंग देकर डिसमिस कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पिटिशनर के हक में फैसला देते हुए ये बात क्लैरिफाई की कि रूल 4 PES को एम्पावर करता है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को 3 अनसैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स की बेसिस पर हेयरिंग देकर डिसमिस कर दे। लेकिन इस केस में पिटिशनर पर अनसैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अलावा और भी चार्जेस थे जिनमें मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशन भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि एक बहुत मेजर चार्ज था 2006 के पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के मुताबिक मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशन आने पर एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी करवाना ज़रूरी है। क्योंकि इस केस में यह प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और इंक्वायरी नहीं करवाई गई, पिटिशनर को डिसमिस नहीं किया जा सकता था। हमारा अगला केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट इन क्रिमिनल अपील नंबर 170 ऑफ 2019, हबीब अख्तर वर्सेस स्टेट। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ही केस से स्टेम होने वाली दो क्रिमिनल अपील्स, एक मर्डर रेफरेंस और एक क्रिमिनल रिविजन पर इकट्ठे ही फैसला सुनाया। इस केस में मेन इश्यूज ये थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जाए वकू से किस तरह एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए और अगर विटनेस की टेस्टिमनी केस के एक पार्ट में अनरिलायबल डिक्लेयर कर दी जाए तो क्या उसी विटनेस की टेस्टिमनी केस के किसी और हिस्से में यूज हो सकती है। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ थे कि अदनान तारिक के वालिद को 2011 में कत्ल कर दिया गया। उनके मुताबिक वो, उनके वालिद और उनके एक फ्रेंड मोहम्मद सफ़ीर जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे थे जब हबीब अख्तर ने उनके वालिद पर गोली चलाई। उनके साथी शराफत ने फिर हवाई फायरिंग की और दोनों मौके से फरार हो गए। कंप्लेनेंट के मुताबिक ये मर्डर जाहिद हुसैन नामी एक शख्स ने ऑर्डर किया था क्योंकि उनकी उनके वालिद से एक पुरानी दुश्मनी थी और जाहिद हुसैन ने उसी दिन मोहम्मद सफ़ीर को भी कॉल की और कहा कि उनका भी वही हाल होगा जो अदनान तारिक के वालिद का हुआ था। हबीब अख्तर को लोअर कोर्ट्स में कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस सुना दिया गया जबकि शराफत और जाहिद हुसैन के खिलाफ केस प्रूव नहीं हो सका। इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने हबीब अख्तर की कन्विक्शन को ओवरटर्न करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दी गई टेस्टिमनी रिलायबल साउंड नहीं करती। मोहम्मद सफ़ीर के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कत्ल के वक्त उस जगह से 10 किलोमीटर दूर थे जो कि प्रूव करता है कि वो जाए वकूफ पर मौजूद नहीं थे और तो और जाए वकूफ से बरामद की गई एविडेंस फोरेंसिक एनालिसिस के लिए एक सिग्निफिकेंट डिले के बाद पहुंची जिससे ये पॉसिबिलिटी स्टेम कर सकती है कि इसे डिलीबरेटली प्लांट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट PLD 2019 SC 527 को रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब एक विटनेस की टेस्टिमनी को एक मटीरियल पॉइंट पर फॉल्स पाया जाए तो उसके एविडेंस को आगे भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों विटनेसेस के मुताबिक मोहम्मद सफ़ीर जाए वकूफ पर मौजूद थे जबकि ये बात गलत साबित हो चुकी थी, उनकी एविडेंस को आगे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। इस केस में हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी हिदायत की कि वो कोई ऐसे SOPs एस्टैब्लिश करे जिससे जाए वकूफ पर वीडियो और फोटोग्राफिक एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, साथ ही साथ ऐसी टाइमलाइंस भी एस्टैब्लिश करनी चाहिए जिसके दौरान एविडेंस को फौरी तौर पर फोरेंसिक एनालिसिस के लिए पहुँचाया जाए। जो भी ऑफिसर्स इन SOPs को फॉलो ना करे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाए। इस केस में एविडेंस की पुअर हैंडलिंग की वजह से भी मर्डर केस बहुत वीक था और अक्यूज की कन्विक्शन ओवरटर्न कर दी गई। इसके साथ आज का बुलेटिन यही खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।